आज हम बनाएंगे बहुत ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी और टेस्टी ये ग्लूटेन फ्री चीला की रेसिपी। व्रत में भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी है, फुल ऑफ वेजिटेबल। और साथ में ही मैं शेयर करूंगी एक क्विक रायता की रेसिपी। ये इसके न्यूट्रिशन को भी बढ़ा देगा और टेस्ट को भी बढ़ा देगा, और साथ में जो है ये काफ़ी फिलिंग होता है। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी के लिए। हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स को। और अब जैसा कि देख सकते हैं, हमने ले लिया है एक गाजर, एक आलू, और ये जो है लौकी है, कहीं कहीं दूधी भी कहते हैं। तो इन सबको हमने ऑलमोस्ट बराबर बराबर क्वांटिटी में ग्रेट कर लिया है, और ये जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस चीला होने वाला है इस तरीके से। और ये चीला में चॉप करके नहीं जाएगा, इस तरह से ग्रेटेड ही चाहिए, क्योंकि ग्लूटेन फ्री चीला है ये। तो इस तरीके से जब हम ग्रेट करते हैं ना, तो उसमें एक अच्छा जो है बाइंडिंग आ जाता है, जाल टाइप का बन जाता है, तो जो है चीला बहुत ही आसानी से हमारा रेडी हो जाता है। और अब हमने ले लिया ये एक कप कुट्टू का आटा, आप इसके जगह पर सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं, और सारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए कितने बढ़िया ब्राइट कलर्स हैं, और जितना ज़्यादा वैरायटी आपके खाने में होगी कलर्स की, उतना ही ज़्यादा आपका न्यूट्रिशन कवर होगा, वर्सेटाइल आपका जो है थाली होगा और सारे न्यूट्रिशन कवर होंगे। अब इसमें हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून नमक, और ये डाल दिया हमने काली मिर्च कुटी हुई, और ये 1 टीस्पून व्रत के लिए मसाला हमने बनाया हुआ है, इसके लिए 2 टीस्पून धनिया, तो 1 टीस्पून जीरा, और 3 से 4 लाल मिर्चें, ये रेशियो रहता है। और मैंने भून के पीस के इसको रख लिया, तो ये कभी भी क्विक जो है कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप यूज कर सकते हैं, और आप इसे आलू पराठे या किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। और साथ में डाल दिया हमने चॉप किया हुआ धनिया और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, और अब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा थिन बैटर हम नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा थिक रखेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि एक साथ पानी ना डालें, ग्रेजुअल डालें, नहीं तो जो है कहीं कहीं गुठली भी पड़ने के चांसेज होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके कभी भी कोई भी बैटर बनाएं, तो ये जो है फॉर्मूला हमेशा अपनाएं कि पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके और मिक्स करते हुए फिर आगे डालें, नहीं तो कभी बैटर पतला भी हो सकता है, तो फिर आपको और मटेरियल डालना पड़ेगा। और अब जैसा कि देख सकते हैं, हमारा ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुका है, और बैटर को अब 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं एक क्विक रायता। तो इसके लिए हमने एक कुकम्बर को इसी तरीके से ग्रेट कर लिया, आज ग्रेटिंग का काम ज़्यादा है। तो हमने जो है अब ले लिया 4 टेबल स्पून दही, और इसमें ये जो कसा हुआ कद्दूकस किया हुआ हमने खीरा रखा है ना, उसको हम डाल देंगे, और साथ में कुछ फाइन जो है चॉप की हुई धनिया, कुछ हरी मिर्चें भी चाहें तो डाल सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे व्रत के लिए अगर बना रहे हैं तो सेंधा नमक 1/4 टीस्पून, और 1 पिंच चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और ये रहा भुना जीरा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और चाहे एक्स्ट्रा पंच के लिए तो आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा रहा क्विक रायता, इसको आप चाहे चीला के साथ एंजॉय करें या पराठे के साथ, सबके साथ इस समर्स में कूलर का काम करेगा, और बहुत ही परफेक्ट ये रायता मिनटों में बन जाता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और ध्यान रहे कि चीले में भी हमने व्रत के हिसाब से तो सेंधा नमक डाला है, और अगर आप व्रत नहीं हैं तो आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं। और अब लेंगे ये पैन और इसे हीट करेंगे, इस पर हमने अप्लाई किया देसी घी, और अब जो है बैटर का हम जो है एक पतला लेयर बना लेंगे इस तरीके से पोर करके, और एक बढ़िया जो है चीला हम रेडी कर लेंगे। अब आपको थिकनेस जो है जैसी पसंद हो, आप थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं या थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। और अगर ये 2 चीला आपने खा लिया ना, तो ये लंच का पूरा जो है मील का रिप्लेसमेंट हो जाता है, और बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो ये जो है जब देख सकते हैं कि ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है, तो हम जो है थोड़ा और घी डाल करके और इसे इस तरीके से निकाल करके और टर्न कर लेंगे, और इसे भी अब 2 मिनट के लिए हम सेकने देंगे,
जब तक कि दूसरी तरफ पूरी तरह ना पक जाए तब तक हम कुक कर लेंगे। इसे बनने में लो टू मीडियम हीट ही रखें, हाई हीट ना रखें, क्योंकि हमने ढेर सारी इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं, और कोई जल्दबाजी ना करें। और अब इसे निकाल लेने के बाद में हमने दूसरा भी चीले का बैटर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा चीला भी रेडी होने को है। इसे भी हम टर्न कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म नाश्ता, ये व्रत में भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। चलिए इसे सर्व करते हैं। और इसके लिए हमने ये बना ली है ग्रीन चटनी। इसमें हमने डाला है 1/2 कप पुदीना, 1 कप धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून सेंधा नमक या अपने स्वाद के अनुसार, और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून दही, और ब्लेंड करके हमारी हो गई चटनी रेडी, और साथ में ये रायता। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको? फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक